देख रहे इंडिया 24/7, मैं हूं आपके साथ निहारिका महेश्वरी। दीपावली रोशनी का त्यौहार है। दीपावली से जुड़ी पौराणिक कथा यही है कि भगवान राम अयोध्या का जब उन्होंने 14 साल के वनवास के बाद रुख किया था तो सबने रोशनी के दिए, घी के दिए जलाए थे। रोशन तब से देश हो रहा है, दीपावली को लेकर अलग अलग परिभाषाएं। लेकिन आज हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको उस गांव लेकर चलेगी जो अंधेरे के साए में एक समय में जी रहा था, लेकिन एक महिला की लगन मेहनत के कारण आज वो रोशनी वाला गांव कहला रहा है, वो नूर जहां वाला गांव कहला रहा है। हमारे साथ इस वक्त नूर जहां हैं, 45 साल की हैं, और 45 साल की नूर जहां ने किस तरीके से अपनी मेहनत के जरिए पूरे गांव को रोशन किया, अंधेरा यहां से दूर किया, और वाकई सही मायने में इस साल से आज तक दीपावली मनाई जिसके खुद मुरीद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उसके बारे में आपको बताएंगे। आज कानपुर देहात के एक छोटे से गांव की नूर जहां किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं। कानपुर की नूर जहां पीएम मोदी के सपने को सोलर प्लांट के जरिए पूरा कर रही हैं। नूर जहां की तारीफ पीएम मोदी ने रेडियो पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में भी की थी। जलवायु परिवर्तन के लिए विश्व के बड़े बड़े लोग क्या क्या करते होंगे, लेकिन एक नूर जहां शायद हर किसी को प्रेरणा दे ऐसा काम कर रही है। और वैसे भी नूरजहां का तो मतलब ही है संसार को रोशन करना, इस काम के द्वारा रोशनी फैला रही है। मैं नूरजहां को बधाई देता हूँ। इसके बाद नूरजहां के नूर की हर कोई तारीफ किए बगैर नहीं रह पाया। आज सौर ऊर्जा से अपने गांव को रोशन कर रही नूरजहां की चर्चा हर ओर है। कानपुर का ये छोटा सा गांव बेरी दरियाओं कभी अंधेरे के साए में था, लेकिन आज यहाँ हर घर में उजाला है, रोशनी है। शहर से 25 किलोमीटर दूर आज इस गांव का हर परिवार खुश है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ नूर जहां की बदौलत। इस गांव को आज लोग सोलर गांव के नाम से भी जानते हैं। अपने सफर में आज हम आपको नूर जहां के साथ साथ इस गांव की सैर कराएंगे और दिखाएंगे कि आखिरकार रोशनी का इस गांव के लिए क्या महत्व है। सूरज टिमटिमाती हुई रोशनी एक अंधेरे से गांव के कमरे में, आप समझिए कि कितना अच्छा एहसास होता होगा, कितना अच्छा लगता होगा कि एक गांव को कितना अच्छा लगता होगा कि हमारे यहाँ रोशनी आ गई है। नूरजहां के इस छोटी सी कार्यशाला, प्रयोगशाला, वर्कशॉप, जिसे जो भी कहें मौजूद है, ये देखिए इसको, ये देखिए मैंने लाइट करा, और इससे अच्छी फीलिंग क्या हो सकती है किसी ग्रामीण के लिए जिसने रोशनी ही नहीं सालों सालों देखी। नूरजहां जी बताएंगे, नूरजहां जी कोई एक ऑन करिए ना, ऑफ करके ऑन करके दिखाइए पहले हमें। ये आपने कर दिया, अब ये रहा ऑन हो गया। अब नूरजहां जी बताइए कितना अच्छा लगता है ये सब देख के। आप बहुत अच्छा लगता है, हमको बहुत अच्छा लगता है। जब से ये आ गई तब से ने हमारे घर में रोशनी, हमारे घर में भी होती है और दूसरे के यहाँ भी होती है, और खूब आराम से ले जाते हैं खुशी से कि हमको आराम मिल रही, हमारे यहाँ रोशनी होती है। ये मिट्टी के तेल का दिया जैसे जलाते थे तो बच्चे पढ़ रहे, कहो रजाई पे गिर जाए तो वो कहो बच्चे के आग लग जाए, बच्चे गिर जल जाए। तो अब जो ये कहीं भी रख दो, चाहे आंधी आवे चाहे पानी आवे, रख दिन जला रहे हैं, लड़के पढ़ रहे हैं। ठीक है, और ये देखिए ये तार आ रहा है ना, हाँ, ये तार से चार्ज हो रहा है। हाँ, इसी से चार्ज हो रहे हैं। अच्छा। वो ऊपर से तार आएगा उसी में सही से जुड़ेंगे तब ये सब चार्ज ही रहे। अच्छा, ये बताइए कि किस हिसाब से देती है आप, मंथली मतलब मासिक होता है, कैसे आए देती है, रोज देती है, महीने भर का बांधा है, कैसे होता है? जो कोई एक ले जा, महीना वाले ले जाते तो रोज ले जाते हैं महीना वाले, और जिसको अर्जेंट जरूरत भाई तो वो का भी आज ले गए, नहीं कल ले गए तो जब उनको जरूरत भाई तब ले गए। क्या रुपए के हिसाब से? 100 रुपए महीना, और डेली डेली वाले 5 रुपए। मतलब किसी को जरूरत पड़ जाए एक से ज्यादा अर्जेंट तो 5 रुपए देने के? 5 रुपए। अच्छा, तो 5 रुपए दे देते हैं, अपना ले जाते हैं, काम निकाल ली अपना सुबह, फिर हमें दे गए, फिर हम चार्ज कर लिया। अच्छा, एक फायदा तो आपको बहुत हुआ है कि इसमें से बहुत कुछ खराब था, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री ने आपकी तारीफ की, आपकी हाँ, पहल की, तो बाकी फिर क्या हुआ? तो मतलब हमारे एक जन आए थे, ये जो है
तो ये फिर लालटेन, हमने कहा कि हमारी लालटेन खराब होंगी 30, तो 30 लालटेन और ये जो ये है ये लगा गए थे, ये लालटेन और छोटा पैनर हमें दे गए थे कि ये तुम अपने कमरे में जलाओगी, अच्छा। तुम अपना अपने पास रोशनी रखो, तो ये हमको दे गए थे और खराब पड़े, ये सब चार्ज भी कर दिया। हाँ हाँ, तो ये दिक्कत। अच्छा कैसा लगता है बताइए कि हाँ, आप पूरे गांव को बता रही हैं कि दीपावली मनाने का कारण दे रही हैं। हमको बहुत अच्छा लगता है जी हाँ, मतलब पूरे आपके परिवार में कि देखते दादी है, नानी, आप दादी भी हैं, आप नानी भी हैं, बहुत खुश होती होंगी ना, बताती होंगी आप। सब जानते हैंगे, जब कोई बात होती तो सब लड़के नाती आती आते हैंगे, देखते हैंगे तो कहते हैंगे कि देखो अम्मा का कितना बड़ा नाम हो रहा। अच्छा, लेकिन ये अम्मा बाकी औरतों को किस तरीके से बताएंगी कि भाई रोजगार भी करो, अपना काम भी करो, अपने पे भी ध्यान दो? भाई हम यही कह सकते हैं कि जैसे मतलब कोई बात है तो अपना मतलब जैसे हम चला रहे हैं इसी तरीके से आप लोग भी चलाओ, तो आप लोग भी मतलब उन्नत बढ़ाओ कि चारों तरफ गांव में या रोशनी हो या आराम से ने सब कोई जलाए रहा है। अब हम ये 5 गांवन में हमारी जाती हैंगी तो हमारे यहाँ रोशनी हो रही है सबकी। अच्छा ठीक है, अब हम अपने दर्शकों को लेकर चलते हैं। ये तो हमने बहुत ही खूबसूरत इनका वर्कशॉप देख लिया जिसके जरिए ये रोजगार, मतलब एक रोशनी भी एक रोजगार का यहाँ पर जरिया है, महिला सशक्तिकरण के जरिए किस तरीके से खूबसूरत दीपावली को लेकर यहाँ पर पहल की जा रही। कैसे गांव सोलर वाला गांव बन गया है और नूर जहां इससे लाभान्वित हुई है और उन्होंने पूरे गांव को रोशन कर दिया है, दीपावली मनाने का सबसे एक बेहतरीन जरिया दिया है, क्योंकि जिस गांव में आप समझिए रोशनी नहीं आई थी, किसी ने देखा भी नहीं था कि रोशनी क्या होती है, आज वो लालटेन की मदद से वहाँ बच्चे पढ़ लिख रहे हैं और जीवन यापन रोजगार हो रहा है। ये देखिए, ये इस तरीके के सोलर पैनल है जो नूर जहां के घर के ऊपर है और ये जो सोलर पैनल है इसी के जरिए जो तार आप देख रहे हैं, इस तार के जरिए इनके घर के नीचे बिजली जाती है, लालटेन चार्ज होता है। इसके पूरी चीज को समझाने के लिए, क्योंकि नूरजहां पहले तो लोग कम आते होंगे यहाँ पर। पहले कम आते थे, अब बहुत से आने लगे हैं, मतलब वो समझ गए हैं कि ये सस्ता है बिजली का जरिया। हाँ, तो अब बहुत से आते हैं, ले जाते हैं, ये शाम को ले गए, अपना सुबह दे गए, फिर हमने चार्ज किया, चार्ज करके फिर दे देते हैं। अच्छा, ये बताइए कि कैसे ये चार्ज होता है, आपको पता है कैसे आप बिजली, सर्दियों में कितना होता है, गर्मियों में कितना? अब गर्मियों में तो खूब चार्ज हो जाती है और सर्दियों में जैसे घाम नहीं निकली तो कम होती है चार्ज, तो कह देते हैं कि भाई ऐसा करना कि एक पे जला लेना तो तुम्हारा काम चलते रहेगा और हमारा भी नहीं नुकसान होगा जो बैटरी खराब हो जाए, तो कहते हैं ठीक है, तो इसलिए ले जाते हैं सबको। नूरजा जी ये बताइए, ये अगर 5 सोलर पैनल पहले नहीं होते, अब ये आ गए तो कितना फायदा आपको हुआ है? हाँ, अब यही फायदा आएगा कि भाई चलो सब कहीं रोशनी तब भी दे रहेंगे हम, कि लो चलो सब आ रहेंगे कि बहुत अच्छा किया तुमने जो ये लगवा लिया, चलो रोशनी गांव में आ रही है। कोई छोटा मोटा काम होता है तो कहते हैं कि हमको 10 दे दो, 5 दे दो, तो जो होती है खाली वो दे देते हैं और जो नहीं होती तो कह देते भाई अब नहीं है। हम सुना है कि जब आप प्रधानमंत्री ने आपकी तारीफ की थी, आपकी मेहनत की, हिम्मत की, लगन की, तो उसके बाद क्या हुआ था यहाँ पर, क्या माहौल बन गया था, आप डर गई थी क्या? हाँ, बहुत डर गए थे हम, कहा कि ये पता नहीं क्या हो गया कि हमारे दरवाजे खूब गाड़ी ठड़ी हैं और हमारे अंदर सब घुस गए आके, तो हम खुद डर के मारे कपने लगे। फिर हमारा ये बेटा, एक बेटा और रहता, वो हमको बैठारी पकड़ के कह लगे बैठ जाओ, तो बैठार के ने तब हमें कुछ तसल्ली भाई। फिर राधा ने हमको बताया कि घबराओ नहीं, और ये भी बताया इनकी घबराओ नहीं और तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं होना है। प्रधानमंत्री ने तारीफ की थी आप? जी हाँ। तो आप काफी खुश है, आपको लग रहा है कि सिर्फ आप नहीं सारी महिलाएं सोलर वाला काम करें? हाँ ठीक, हम तो कह रहे हैं सब कोई करे और खूब गांव की तरक्की बढ़े। नूर जहाँ आज हर उस महिला के लिए मिसाल बन चुकी है जो अपने बलबूते 2 जून की रोटी कमाने का न सिर्फ ख्वाब देखती है लेकिन उन ख्वाबों को पंख भी लगाती है। नूर जहाँ आज कानपुर देहात के इस छोटे से गांव में ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपनी पहचान बना चुकी है और आज यकीनन वो कई महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत भी बन गई है।
यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ये गांव जगमगा रहा है, इसको दीपावली मनाने की वजह पता है और महिलाएं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुशहाल, समृद्ध और अपने आप को अंदर बाहर भीतर हर जगह से रोशन महसूस कर रही हैं। लेकिन इसका बिजनेस मॉडल क्या है, कैसे एक गांव के जरिए बाकी के गांव को और लाभान्वित करने और उनकी दीपावली को बेहतर बनाने के लिए काम किया जा रहा है, जिसमें सामाजिक संगठन और महिलाएं मिलकर इसे एक रोजगार का जरिया भी बना रही हैं और खुशहाल जीवन का।